अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू सिटी फेज टू में एम ब्लॉक में ऐसा घर आया है जो न्यू सिटी फेज टू में बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। इस घर पे फुल सोलर सिस्टम लगा हुआ है, 8 KV का सोलर सिस्टम है, फुल घर सोलर पर चल रहा है। और इसके सामने आप पौधे भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत घर बना हुआ है। आप शायद ये मोबाइल में उस तरीके से घर नज़र ना आए, लेकिन जब फिजिकली विजिट करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसका जो दरवाज़ा है फुल ऑटोमेटिक है, आप इसको मोबाइल पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, घर के अंदर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप पिंडी में हैं वहाँ पर मोबाइल के थ्रू भी आप इसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप फेंसिंग भी देख रहे हैं, फेंसिंग के साथ इलेक्ट्रिक फेंसिंग है और कैमरे भी यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये कार पोर्च है, वाइड कार पोर्च है, यहाँ पर बड़ी गाड़ी आराम से, दो गाड़ियाँ इजीली खड़ी हो सकती हैं। इसके साथ सामने जो है वो आप देख सकते हैं पौधे वगैरह रखने के लिए। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये मोटर, ये डोर की दरवाजे की मोटर है और ये ऑपरेट होती है, मोबाइल के थ्रू भी होती है और अंदर बटन के थ्रू भी होती है, ओपन एंड क्लोज आप जैसे इसको यूज़ करना चाहें। और ये इसका साइड पे कॉरिडोर कह लें, वेंटिलेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। और इसके साथ ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम आपको दिखाता हूँ, खूबसूरत ड्राइंग रूम है, वॉलपेपर यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके साथ आप सीलिंग चेक कर सकते हैं, पंखे जो हैं वो भी अच्छी कंपनी के लगाए हुए हैं। इसके साथ आपको ये सेपरेट रास्ता है, आप इसको सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं, कंबाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आप यूज़ करना चाहें। और ये कॉरिडोर है और इसके साथ ये आप मास्टर की टाइल है, टाइल कम से कम यहाँ पर ये जो टाइल लगी है सिर्फ एक टाइल 1600 रुपये की है। और इसके साथ आप ये चेक करें, कैबिनेट कबर्ड भी लगी हुई है। ये किचन है और इसमें आपको फ्रिज भी मिलेगा, आपको हुड भी मिलेगा, आपको हर चीज़ ओवन वगैरह जो किचन की ज़रूरियात है, कबर्ड कैबिनेट सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ ओपन ये किचन है तो टीवी लॉन्च सामने है, और टीवी लॉन्च में आपको एलसीडी मिलेगी। और इसके बाद वॉलपेपर आप देख सकते हैं, और एलसीडी जो है वो आपको कैमरा भी ऑपरेट करेंगे। और इसके साथ दूसरी एलईडी लगी हुई है जो आपको पीटीसीएल आप यूज़ कर सकते हैं टीवी। और ये एक और रूम है, ये भी फर्निश्ड है, इसके साथ एसी लगा हुआ है, एसी आप इसको यूज़ करें, दो एसी नीचे हैं, दो एसी ऊपर है, टोटल 4 AC आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारे सोलर के ऊपर हैं। और ये बाथरूम है, और एसी जो है ये आप इजीली यूज़ करें, बिल का बिल्कुल डर नहीं है कि बिल कितना आ जाएगा। आप 10 मरले के घर में अगर यूज़ करते हैं ना तो कम से कम 1.5 लाख रुपये आपका बिल आता है अगर आप एसी यूज़ करते हैं। इसके साथ एक और रूम है, इसमें भी एसी लगा हुआ है, और जिस तरह का ये नीचे घर बना हुआ है इसी तरह ऊपर भी बना हुआ है। टाइम की किल्लत की वजह से मैं ऊपर विजिट नहीं करा सका आपको, ऊपर सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है सारा कुछ, 8 KV का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, 1++ कंस्ट्रक्शन है और मीटर भी इंस्टॉल है। और इसके साथ साथ जो सेंसर है स्टेयर्स पे, आप स्टेयर्स ऊपर वाली मंजिल पे जाएंगे तो आपको स्टेयर जो है वो सेंसर लगा हुआ है, आप चलते जाएंगे लाइट भी चलती जाएगी उसके साथ साथ। और यह आपको दूसरा किचन दिखाता हूँ, डर्टी किचन भी इसको कहते हैं, बर्तन शर्तन जहाँ साफ होते हैं, किचन यहाँ कैबिनेट वगैरह सब कुछ, बर्तन वगैरह रखने की जगह है और वेंटिलेशन के लिए दरवाज़ा भी है। अब बात करते हैं इस घर की प्राइस की, और इस घर की प्राइस जो है वो 4.5 करोड़ रुपये है। अगर आप इस पर इंटरेस्टेड हैं, फिज़िकली विज़िट करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और प्राइस में निगोशिएशन भी हो जाएगी। और अगली वीडियो के हाफिज़, अगर आपने घर लेना है किराए पर या ख़रीदना है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको अच्छा ऑप्शन दिखा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।